प्यारे बच्चों, आज हम लोग लेसन नंबर 4 में दिए गए एक्टिविटी नंबर 10 की प्रैक्टिस करेंगे। एक्टिविटी 10 में कहा गया है, टॉक टू योर फ्रेंड एंड चूज वर्ड्स एंड फ्रेजेस फ्रॉम कॉलम ए बी एंड सी टू मेक सेंटेंसेस। तो यहाँ में कॉलम ए, कॉलम बी और कॉलम सी दी हुई हैं और इन कॉलम्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और एक और कुछ फ्रेजेस दी गई हैं। और हमसे कहा गया है कि तीनों कॉलम्स में जो वर्ड्स और फ्रेजेस हैं उन्हें आपस में जोड़कर एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाओ। सेंटेंस हमें लिखना है, जैसे ए में दिया हुआ मदर जो वर्ड है, बी में दो वर्ड्स दिए गए एडेड और स्क्वीज्ड, और सी कॉलम में फ्रेजेस दी गई हैं, 1/2 ऑफ द लेमन इन टू द ग्लास, 2 स्पूनफुल्स ऑफ शुगर एंड अ पिंच ऑफ सॉल्ट टू द ग्लास। अगर हम कॉलम ए, बी और सी में जो अलग अलग जो वर्ड्स और फ्रेजेस दी गई हैं, अगर हम उन्हें अलग अलग से लेते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं बनता या कोई मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बनेगा। अगर सी के साथ हम बी या ए को नहीं जोड़ेंगे तो सेंटेंस जो है वो नहीं फॉर्म होगा। तो अभी हमें अच्छे मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए ए, बी और सी इनको ऐड करना है। चलिए ऐड करते हैं। तो मदर एडिड, एडिड के साथ क्या आएगा, 2 स्पूनफुल्स ऑफ शुगर एंड अ पिंच ऑफ सॉल्ट टू द ग्लास। तो ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा। दूसरा देखते हैं, मदर स्क्वीज्ड 1/2 ऑफ द लेमन इन टू द ग्लास। तो इस तरीके से दो हमें सेंटेंसेस हमें हम फॉर्म कर सकते हैं। चलो अब इसको लिखते हैं। पहला, मदर मदर स्क्वीज्ड, तो यहाँ पे स्क्वीज्ड लिखेंगे, देन 1/2 ऑफ द लेमन इनटू द ग्लास, यानी माँ ने क्या किया, माँ ने नींबू के जो एक जो कटा भाग था उससे ग्लास, उसके रस को ग्लास में निचोड़ा। क्यों निचोड़ा था, शरबत बनाने के लिए। दूसरी सेंटेंस देखते हैं, मदर एडिड 2 स्पूनफुल्स ऑफ शुगर एंड अ पिंच ऑफ सॉल्ट टू द ग्लास। तो मदर एडिड 2 स्पूनफुल्स ऑफ शुगर एंड अ पिंच ऑफ सॉल्ट टू द ग्लास। तो इस बॉक्स में हम ये दो सेंटेंसेस को लिखेंगे और इस सेंटेंस का मतलब क्या बन रहा है कि माँ ने फिर उस ग्लास में क्या ऐड किया, क्या डाला, 2 स्पूनफुल्स ऑफ शुगर यानी शक्कर की 2 चम्मच और 1 चुटकी नमक उस नींबू के शरबत में उन्होंने डाला। तो इस एक्टिविटी को आपको अपने बुक्स में ही कर लेना है। थैंक यू।